नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अखिलेश शर्मा, अभिषेक हॉस्पिटल मोती डूंगरी रोड जयपुर से एक बार आप लोगों के सामने फिर हाजिर हो रहा हूँ। आज का हमारा टॉपिक है राइनोप्लास्टी मिथ एंड फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन। राइनोप्लास्टी के बारे में आपको ध्यान होगा, अपन पहले भी कई बार बात कर चुके हैं, स्टिल मेरे पास बहुत सारी क्वेरीज आती है और जिसमें वो कई तरह के क्वेश्चन दिमाग में आते हैं, कई तरह के मिथ दिमाग में आते हैं। कौन करवा सकता है, कब करवा सकता है, डेंजर क्या है, इसके आफ्टर इफेक्ट क्या हैं। तो आज मैंने सोचा क्यों नहीं हम इस बारे में बात करें कि राइनोप्लास्टी क्या होती है, कैसे होती है, कौन करवा सकता है। राइनोप्लास्टी मींस, राइनो मींस नोज, प्लास्टी मींस रीशेपिंग। कौन करवा सकता है? एनीबडी हु हैज कंप्लीटेड हिज एज ऑफ प्यूबर्टी, यानी जब उसकी पूरी फेस की ग्रोथ हो चुकी हो, जो नॉर्मली 15-16 साल लड़कियों में और 17-18 साल लड़कों में होती है, जब नोज़ की ग्रोथ पूरी हो चुकी हो। किस तरह की राइनोप्लास्टी होती है? राइनोप्लास्टी दो तरह की होती है, ओपन राइनोप्लास्टी एंड क्लोज राइनोप्लास्टी। ओपन राइनोप्लास्टी में एक छोटा सा कट, बहुत ही छोटा सा कट नाक के नीचे दिया जाता है, जो कि नॉर्मली विजिबल नहीं होता है, और उससे नाक के अंदर के स्ट्रक्चर्स को ऑपरेट करके प्रॉपर शेप में दिया जा सकता है। और क्लोज राइनोप्लास्टी में नाक के अंदर ही अंदर किया जाता है। एक नाक एक बहुत टिपिकल स्ट्रक्चर है, यहाँ तक एक बोन से होता है, हार्ड बोन से, ये एक सॉफ्ट बोन से होता है, और यहाँ पे हल्का सा फैट होता है, बीच में एक सेप्टम होता है जो इसको टेंट की तरह खड़ा करता है। जैसे आप देखते होंगे कि किसी भी टेंट के बीच में एक सपोर्ट दिया जाता है ताकि वो ऐसे रहे। एक प्रॉपर नोज़ की शेप आने के लिए वो बहुत ज़्यादा लंबा भी नहीं होना चाहिए, बहुत ज़्यादा छोटा भी नहीं होना चाहिए, और स्ट्रेट होना चाहिए। नॉस्ट्रिल की साइज और शेप नॉर्मल होनी चाहिए, और बाकी फेशियल आपके जो स्ट्रक्चर है उससे मैच करनी चाहिए। कई बार क्या होता है कि नाक बहुत छोटी लग रही, बहुत बड़ी लग रही होती है, क्योंकि चिन आपकी छोटी होती है। तो राइनोप्लास्टी करने से पहले प्लास्टिक सर्जन को ये देखना होता है कि बाकी फेशियल फीचर्स कैसे हैं। अब राइनोप्लास्टी की ज़रूरत किसमें होती है? हर वो व्यक्ति जो चाहता है कि मेरी नाक की शेप ठीक नहीं है, मैं उसे प्रॉपर शेप में ले आऊं किसी भी तरीके से, तो उनमें हो सकती है। दूसरा, कई बार क्या होता है, बचपन के किसी चोट से या किसी और कारण से नाक का सेप्टम या नाक की हड्डी टूटी होती है, उसके कारण शेप बिगड़ जाती है। तीसरा कारण डीएनएस, डेविएटेड नेजल सेप्टम के कारण नोज़ की शेप बिगड़ जाती है, और कुछ कारण ऐसा होता है जो बाई बर्थ होते हैं, जैसे नाक बिल्कुल दबी हुई है जिसे कंजनाइटल डिप्रेस नोज कहते हैं, या नाक बहुत लंबी चौड़ी है आपके फेस के हिसाब से, उस पर बहुत ज़्यादा फैट है, स्किन बहुत मोटी है। इन सारी कंडीशन में राइनोप्लास्टी की ज़रूरत पड़ती है। अब राइनोप्लास्टी करते कैसे हैं? राइनोप्लास्टी करने में ऑपरेशन थिएटर में होता है, डेफिनेटली एक अच्छा प्लास्टिक सर्जन करता है, डेफिनेटली उसमें कोई डाउट नहीं है। प्लास्टिक सर्जन की क्वालिफिकेशन ये होनी चाहिए कि उसे राइनोप्लास्टी का अच्छा एक्सपीरियंस हो और वो अपने रिजल्ट्स पहले के दिखा सके आपको। उसके अलावा एनेस्थीसिया के दो प्रकार होते हैं, एक तो जनरल एनेस्थीसिया, एक लोकल एनेस्थीसिया। मोस्टली लोकल एनेस्थीसिया में की जा सकती है, पर यदि आप ऑपरेशन से डरते हैं, आप चाहते हैं बिल्कुल पेन फ्री रहूं, मुझे कोई परेशानी नहीं हो, तो राइनोप्लास्टी जनरल एनेस्थीसिया में भी हो सकती है। कई लोगों को डर ये होता है कि जनरल एनेस्थीसिया तो बहुत ख़तरनाक होता है, इतने सालों से हम जनरल एनेस्थीसिया में केसेस कर रहे हैं, कम से कम 25-30 साल तो मेरे को हो गए, शायद ही किसी इलेक्टिव केस में कोई प्रॉब्लम हुई हो। आजकल का जो जनरल एनेस्थीसिया है वो इतना शॉर्ट एंड स्वीट है कि उसको करने के बाद ना तो किसी तरह का नौजिया, वॉमिटिंग, चक्कर ऐसा कुछ नहीं होता है, साथ के साथ होश आ जाता है, और कुछ
बेसिक इन्वेस्टिगेशन करवा के जनरल एनेस्थीसिया दिया जा सकता है। अब इसमें और किस किस चीज़ की ज़रूरत पड़ सकती है? कई बार थोड़ा सा आपके नाक की शेप प्रॉपर करने के लिए किसी टिश्यू की ज़रूरत होती है, जिसे कार्टिलेज कहते हैं। तो कार्टिलेज लिया जा सकता है आप ही के नाक के सेप्टम से, क्योंकि नाक अगर टेढ़ी है तो कार्टिलेज निकालना ही होता है नाक के सेप्टम से, उसको लिया जा सकता है। कान के पीछे से लिया जा सकता है, और कई बार जब नाक की शेप बहुत ज़्यादा चेंज करनी हो, जैसे क्लेफ्ट लिप के बाद में हुई हो या ट्रॉमा के बाद में हुई हो या बाई बर्थ हो, तो यहाँ से चेस्ट से कार्टिलेज निकाल के उसमें डाला जाता है, नाक की शेप प्रॉपर आ जाती है। जिन लोगों को सांस लेने में बिकॉज ऑफ एयर वे ऑब्स्ट्रक्शन, एलर्जी के कारण नहीं, कभी भी एलर्जी जो है, जो नॉर्मल रूटीन छींके किसी मौसम चेंज होने पे आ रही है, वो इससे ठीक नहीं होती। पर जिनको 24-12 महीने सांस लेने में दिक्कत होती है डेविएटेड नेजल सेप्टम के कारण, उनको इतना अच्छा रिलीफ मिलता है कि वो बाद में आके धन्यवाद देते हैं कि अब मैं आराम से सांस ले सकता हूँ, मैं मुँह खोल के सांस लेने की जरूरत नहीं है। एक क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है, क्या इससे मेरे खर्राटे बंद हो जाएंगे? हाँ भी और ना भी। अगर वो आपके डीएनएस के कारण है या नेजल ऑब्स्ट्रक्शन के कारण है और आपको मुंह खोल के सांस लेनी पड़ रही है, तो वो पूरी तरीके से ठीक हो जाएंगे। कई बार स्लीप एपनिया, ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया के कारण खर्राटे लिए जाते हैं, उससे राइनोप्लास्टी का कोई संबंध नहीं है। उसके लिए दूसरे इलाज होते हैं, कुछ सर्जिकल भी होता है, कुछ मैकेनिकल भी होता है, या करवट से सोने से भी वो ठीक हो जाता है। अब कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या है, मेरे को क्या रिजल्ट दिखेंगे? शुरू के कुछ दिन सर्जरी के बाद आपकी नाक पे सूजन होगी। बहुत थोड़े से लोगों जिनका कलर बहुत फेयर है और पतली स्किन है, उनके थोड़े से ब्रूजेज बन सकते हैं, पर उसके अलावा मोस्टली कोई ऐसी मेजर प्रॉब्लम नहीं होती है। नाक की शेप जो आपको आफ्टर सर्जरी प्रॉपर दिखेगी, वो 2 महीने बाद से दिखना चालू होती है, और 5-6 महीने के बाद बिल्कुल कंप्लीट आपको फाइनल शेप मिल जाती है। 80-90% जो स्वेलिंग है वो 1.5 से 2 महीने में ख़त्म हो जाती है। दवाइयाँ आपको 5 से 7 दिन लेनी होती है, नेक्स्ट डे आप घर जा सकते हैं। अगर बोन में कोई सर्जरी नहीं की गई है तो कोई प्लास्टर की जरूरत नहीं होती, एक पट्टी लगाई जाती है। अगर बोन की सर्जरी भी हुई है तो नाक पे एक छोटा सा प्लास्टर लगाया जाता है जो 5 दिन बाद निकाल दिया जाता है, और यदि सेप्टम की भी सर्जरी हुई है तो एक छोटा सा पैक डाला जाता है जिससे 5 दिन बाद निकाल दिया जाता है। इसके अलावा नॉर्मली कोई बहुत मेजर प्रॉब्लम्स नहीं होती, सांस लेने की प्रॉब्लम ठीक हो जाती है, सुगंध में या गंध पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, जैसे आप पहले कर रहे थे वैसे रहेगा, और आपकी नाक की शेप प्रॉपर हो जाएगी। इसके साथ हो सकता है आपकी चीक बोन के बारे में बात की जाए कि चीक बोन का ऑगमेंटेशन किया जाए, चिन का ऑगमेंटेशन किया जाए या चिन को छोटी किया जाए, वो सारा जब एक क्लिनिकल एग्जामिनेशन होता है, डिस्कशन होता है, तो उस पर अपन बात कर सकते हैं। तो यदि आपको अपनी नोज़ में कोई बदलाव चाहिए तो आप मेरे से बात कर सकते हैं। मैं डॉक्टर अखिलेश शर्मा अभिषेक हॉस्पिटल मोती डूंगरी रोड जयपुर से बोल रहा हूँ। मेरा फ़ोन नंबर है 9829013567। आप मुझे यूट्यूब पे देख सकते हैं, आप मुझे इंस्टा पे देख सकते हैं, मुझे गूगल करके मेरे से संपर्क कर सकते हैं, अभिषेक हॉस्पिटल की वेबसाइट पे देख सकते हैं, जस्ट डायल और बाकी सब चीज़ों पे भी आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। धन्यवाद, नमस्कार।